आपके जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं राजमाता जी। कुंजा जी, हम आपका उपकार कभी नहीं भूल सकते। ये कैसी बात कर रही हैं आप राजमाता जी? उपकार कैसा? उपकार कैसे नहीं, आपने हमें तब आश्रय दिया है जब सारी दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? हमें बाहर वाला कहकर हमारी सहायता लेने से तो मना कर दिया आपने। अब तो एक ही इच्छा है, यदि हमें कुंवर प्रताप जी के राज्याभिषेक में आने की अनुमति मिल जाए तो। अब आप बाहर वाले कहां रहे, आप हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। आप समझ, अब राज्याभिषेक तब तक नहीं होगा जब तक आप वहां ना हो। राणा जी, ये प्रसन्नता और उत्सव का अवसर है, किंतु दुख की बात यह है कि आप हमारे बीच नहीं हैं और हम आपके सोग में हैं। शहंशाह, आपको मालगुजारी और महसूल के साथ बैठना है। अगर आप हुक्म दें तो उन्हें बुला दूं। जब तक मान सिंह जी वापस नहीं लौट आते हम किसी को वक्त नहीं दे सकते। कहिए मान सिंह जी, कैसा लग रहा है उदयपुर पे हमारा लहराता हुआ परचम? बोलिए मान सिंह जी। हमारा परचम उदयपुर में नहीं लहरा रहा है शहंशाह। क्या मतलब, अब नहीं लहरा रहा हमारा परचम वहां पर? क्यों? क्योंकि अब जगमाल उदयपुर का राजा नहीं रहा, अब प्रताप उसकी जगह नया राजा बन गया है वहां का। आपकी जरूरत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? बताइए ना माँ, दाजीराज ने कैसे सारी स्थितियों को उलटकर जगमाल काका को अपदस्त करा दिया? अमर सिंह जी, हम उदयपुर पहुंचने ही वाले हैं, वहां पर जाकर अपने दाजीराज से जो प्रश्न है पूछ लेना। आपको तो बताए ना माँ की आदत, वो हर बात को घुमा के रख देंगी और स्पष्ट उत्तर कभी नहीं देंगे। अब आप ही बता दीजिए ना हमें ये उत्तर। हमने आज तक आपकी मासा की खींची रेखा का उल्लंघन नहीं किया, तो आज कैसे कर पाएंगे? वाह ईश्वर, दोनों माएं एक से बढ़कर एक मिली है हमें। अच्छा, हम घुड़सवारी करके आते हैं। क्यों, आपके दाजीराज ने आपको क्या सिखाया? यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर तुरंत खोजें। तो दीजिए ना हमें इस प्रश्न का उत्तर, आखिर क्या कहकर हम पुकारे आपको? यदि आपकी मासा को आपत्ति ना हो तो छोटी माँ। फूल, अमर सिंह को एक नहीं दो दो माओ का प्रेम मिले, इससे अधिक हम भगवान से और क्या मांग सकते हैं फूल? छोटी माँ, आप जैसे पुत्र का मिले हमारे लिए गर्व की बात है। तफसील से बताइए हमें मान सिंह जी, क्या और कैसे हुआ है सब कुछ? आश्चर्य और दुख की बात है शहंशाह कि मेवाड़ के एक भी सैनिक ने जगमाल का साथ नहीं दिया। यदि एक भी सैनिक प्रताप के विरुद्ध अपनी तलवार उठा लेता तो पल भर में प्रताप का सर उड़ा सकते थे उसके धड़ से, किंतु मेवाड़ की समूची सेना और प्रजा पर ऐसा प्रभाव है प्रताप के व्यक्तित्व का
क्या बताएं शहंशाह? गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, वजीरे महसूल और सुनो। उदयपुर के सभी साधारण एवं विशिष्ट नागरिक सुनो। कल उदयपुर के राज दरबार में कुंवर प्रताप का उदयपुर के अगले राणा के पद हेतु राज्याभिषेक होगा। आप सभी इस मंगल बेला पर राजकीय महाभोज के लिए उदयपुर के राजमहल में सादर आमंत्रित हैं। सुनो। माँ बाप पितृ शोक से निकल करके मेवाड़ की प्रजा के लिए नए महाराणा की भूमिका निभाएं, इसलिए आप नए राणा के अनुसार आप स्नान विधि को पूर्ण करें महाराज। अधिराज के जाने का शोक हमें जीवन भर रहेगा। राज्याभिषेक में पहनने के लिए हमने अपने हाथों से कितने सुंदर सुंदर वस्त्र चुने हैं आपके लिए। ये देखिए, ये साफा, ये अंगरखा, इन कशीदाकारी वाले वस्त्रों में आप एकदम अलग दिखेंगे। पर है कहाँ आप? तैयार हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं, ये वस्त्र हम अमर सिंह जी के लिए संभाल के रख देंगे। जब उनका राज्याभिषेक होगा तब काम आ जाएंगे। हाँ दाजीराज, देखिए ना ये वस्त्र कितने अच्छे हैं ना। हाँ फूल, बस बहुत सुंदर है, धन्यवाद। किंतु अजब दे पहले हमारे लिए ये ले आई थी और हम इन्हें पहन चुके हैं और हमें अच्छे भी लग रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, वास्तव में ये वस्त्र आप पे अच्छे लग रहे हैं। अमर सिंह जी, ये वस्त्र हम आपके लिए बचा के रखेंगे, ठीक है? जी, चलते हैं। फूल, कुंवर प्रताप, फूल ठीक ही तो कह रही है। देखिए वो कितने सुंदर वस्त्र लाई है आपके लिए, आप पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। पहन लीजिए इन्हें। क्योंकि आप कह रही हैं, इसीलिए। अब समय आ गया है जब हमारे दाजीराज महाराणा बनेंगे। कुंवर प्रताप की जय। 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 अब मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, मेरी कोई इच्छा ही नहीं बची। ऐसा लग रहा है मानो श्री राम स्वयं सिंहासन संभालने आ रहे हैं।
की ख्वाब है तमाम हिंदुस्तान का शहंशाह बनना, सही माने शहंशाह हिंद का रुतबा हासिल करना, और वो एक ही रोड़ा है जो हमारे दरमियान है, और वो है रियासत-ए-मेवाड़। शहंशाह हिंद बनने के लिए हम हर कीमत इस पर कब्जा करेंगे। माजी में कई कोशिशें की हैं हमने, पर जाहिर अब तक सब की सब नाकाफी ही रही, और इसलिए इस बार हमने एक ऐसा खौफनाक मंसूबा बनाया है, एक ऐसी जंग का जो ना इससे पहले कभी हुई है और ना ही कभी इसके बाद होगी। ये प्रताप के मेवाड़ पे हमारा आखिरी हमला होगा, ये अब तक दुनिया की तमाम जंगों में से सबसे बड़ी जंग होगी। इस जंग को तवारीख मैदान जंग के नाम से याद किया जाएगा, हल्दी घाटी की जंग, हल्दी घाटी की जंग। हिंदुस्तान की तवारीख इस जंग को सबसे बड़ी और खौफनाक जंग के नाम से याद रखा जाएगा। अब वक्त आ गया है मेवाड़ को मिटाने का, नेस्ते नाबूद कर देंगे हम। प्रताप, प्रताप, कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। यशस्वी भव। जी विराजमान होइए, हम गणपति पूजा करें। गजाननम भूत गणादिशे विदम पपित जम्बो फल चार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेशर पाद पंकजम। महाराज जी, अब हम विष्णु पूजा की ओर अग्रसर होंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदें विष्णुं भयभवहरं सर्वलोकैकनाथं। अब हम गोदान की ओर अग्रसर होंगे। गायो में अग्रतः संतु, गायो में संतु पृष्ठतः, गायो में हृदये संतु, गावा मध्ये वसम्यहम्। महाराज सिंहासन पे विराजमान हो सकते हैं। पवित्र पवित्र वा सर्वासां गते पीवा यः स्मरेत् पुण्डिकायवायाभ्यन्तरं शुचिः स्वस्ति न इन्द्रो विधसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताशर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। महाराज जी, आप सिंहासन पे विराजमान हो सकते हैं।
राज्याभिषेक की औपचारिकताएं संपन्न, हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपा करके आप मेवाड़ के राज सिंहासन को ग्रहण करें। चुंडावत जी, आपकी पीढ़ियों ने मेवाड़ के राज सिंहासन की सदैव रक्षा की है, इसीलिए आरंभ से लेकर अंत तक मेवाड़ के राज सिंहासन पर आपका ही अधिकार है। आइए विराज जी। ये क्या कर रहे हैं दाजी राज? इस रसम को मनुहार कहते हैं। 100 वर्षों पहले चुंडावतों ने अपनी राजगद्दी का अधिकार त्याग कर आपके दाजीराज के पुरखों को दिया था। ओ, अब दाजीराज के इस आग्रह का क्या उत्तर देंगे चुंडावत जी? वे सम्मान पूर्वक इसे अस्वीकार करेंगे। हम पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ आपके इस आग्रह को अस्वीकार करते हैं कुंवर प्रताप। राज आप अपने बल कौशल और सिद्धांतों के साथ सहस्त्र वर्षों तक मेवाड़ की मातृभूमि पर शासन करें। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। सुनो सुनो सुनो, कुंवर प्रताप आपके मेवाड़ के महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.